हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको भुने हुए चने की कचौड़ियाँ बनाकर दिखाती हूँ, जो कि मेरे घर में किस तरीके से बनती हैं। मेरे पापा को शुगर है, इसलिए उनको आलू की कचौड़ियाँ नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनके लिए चने की कचौड़ियाँ बनाऊंगी। मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसको महीन महीन पीस लें इस तरीके से, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। फिर उसको किसी प्लेट में निकाल लें और देखिए ये बिल्कुल बारीक है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिर इसमें आप अपने हिसाब से मसाले भी डाल सकते हैं। ये मैंने खुद के बनाए हुए मसाले डाले हैं, जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। इसमें नमक, मिर्च, धनिया वगैरह, सूखी धनिया वगैरह सब मिली हुई है, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से मैंने काला नमक डाल दिया है, मेरे घर में स्पाइसी ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है, सब हल्का मसाला खाते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, इसमें आप बारीक धनिया, बारीक प्याज और हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है क्योंकि ये सिर्फ सुबह का सिंपल सा नाश्ता है और ये और कुछ नहीं है। फिर सारे मसाले एक साथ मिला लें अच्छी तरीके से, ये मेरी मम्मी मसाले मिला रही हैं एक साथ इस तरीके से। फिर इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इस तरीके से इसको मिलाइएगा और आटे की तरह इसको गूंथिएगा, एक पेड़ा बना लीजिएगा। एकदम से पानी मत डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और ये लोई में भी नहीं भर पाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसका पेड़ा बना लीजिए। और इधर मेरी चाय भी बन रही है साथ साथ। ये देखिए मम्मी किस तरीके से चने की कचौड़ियाँ बना रही हैं पापा के लिए। पहले उनको उनके लिए बनाकर उनको नाश्ता दे दिया जाएगा, फिर हम लोग अपने लिए आलू की कचौड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए किस तरीके से वो भर रही हैं और इस तरीके से पेड़ा बनाकर आप इसको इस तरीके से उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के आप बेलिए। ये फटेंगे नहीं, बस आपका आटा थोड़ा मुलायम होना चाहिए, टाइट आटे में ये नहीं बन पाएंगी, आटा मुलायम होना चाहिए। और इस तरीके से इसको बेलिए। एक तरफ आटे की कचौड़ियाँ बन रही हैं और इधर मैंने थोड़ा सा चावल का आटा सान लिया था, जो कि मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब कि मेरे भतीजा और भतीजी को, और मम्मी उनके लिए भी बना रही हैं क्योंकि वो लोग नाश्ते का वेट कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मम्मी चने की कचौड़ियाँ आटे चावल के आटे में बना रही हैं इस तरीके से। इसको बहुत केयरफुली बनाया जाता है क्योंकि ये तुरंत फट जाते हैं। और एक तरफ मैं पापा के लिए बना रही हूँ और ये देखिए मम्मी किस तरीके से एक एक लोई बना रही हैं, बहुत केयरफुली बनाया जाता है वरना ये तुरंत फट जाते हैं। और ये बच्चों का नाश्ता तैयार हो रहा है, पापा को मैंने नाश्ता दे दिया है। ये आटे की चावल के आटे की कचौड़ियाँ हैं और ये इस तरीके से बनाई जा रही हैं। इधर अब बारी आई है हम लोगों की, जो कि आलू की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। ये देखिए मम्मी अब आलू की कचौड़ियाँ बना रही हैं इस तरीके से। बच्चों और पापा का नाश्ता हो गया है, बच्चे नाश्ता अभी कर रहे हैं और ये रही हम लोगों की आलू की कचौड़ियाँ, जो कि अब हम लोग गर्मा गर्म बना के खाएँगे। और मैं अकेले बना लेती लेकिन पापा और बच्चों को नाश्ता जल्दी चाहिए था, इसलिए मम्मी हेल्प कराने के लिए आ गई थी। नहीं तो मैं खाना बना लेती हूँ, मम्मी को नहीं परेशान करती और भाभी मेरी दूसरे काम निपटा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और इसमें तीनों टाइप की कचौड़ियाँ रखी हुई हैं जो बच गई। और ये रहा मेरा मम्मी का नाश्ता। मम्मी चाय नहीं पियेंगी, वो मना कर रही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। और इन्जॉय करिए आलू की कचौड़ियाँ, और इस मौसम में तो बिल्कुल भी।